दोस्तों आप भी जानना चाहते हैं मैं अपने YouTube चैनल का वॉच टाइम कैसे देखें, ठीक है? आप भी जानना चाहते हैं मैं अपने YouTube चैनल का वॉच टाइम किस तरीके से देख सकता हूं, तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना होगा। यहां पे मैं आपको बिल्कुल आपके YouTube चैनल का रियल वॉच टाइम दिखाऊंगा, आप किस तरीके से चेक कर सकते हैं। तो अभी तक दोस्तों आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को नहीं दबाया है तो जल्दी से दबा दीजिए, क्योंकि जब भी मैं यहाँ पे इस तरह की वीडियो पब्लिश करता हूँ तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके फोन में चला जाना चाहिए। तो चलिए ज्यादातर यूट्यूबर क्या गलती करते हैं, YT स्टूडियो में देख लेते हैं, 4000 घंटा हो चुका है, अब क्या करें, हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, 1000 हमारे सब्सक्राइबर तो हो ही गए थे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, आपके YT स्टूडियो में यानी कि क्रोम में जाके आपको चेक करना होता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अपने क्रोम ब्राउजर पे क्लिक करना है, ठीक है? और यहाँ पे आपको ऊपर सर्च बार में डालना है YouTube स्टूडियो। तो चलिए हम डाल देते हैं इस तरीके से YouTube स्टूडियो, ठीक है? इस तरीके से डालेंगे, इस तरीके से आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ मैंने डाल दिया है, ठीक है? और यहाँ पे आप सर्च करेंगे, ठीक है? जैसे मैं सर्च कर रहा हूँ इस तरीके से सर्च करेंगे आपको ऊपर की तरफ मिल जाए, नहीं तो आप यहाँ देख सकते हैं YouTube स्टूडियो, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे या तो आपको रीडायरेक्ट कर देगा आपके YT स्टूडियो के अंदर, ठीक है? तो यहाँ पे आपको अपने क्रोम ब्राउजर को सिलेक्ट करना, नहीं तो आप अपने YT स्टूडियो एप्लीकेशन को थोड़ी देर के लिए अनइंस्टॉल कर दीजिए, ठीक है? अनइंस्टॉल यानी कि हटा दीजिए, ठीक है? इस तरीके से ये देखो आ जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस तरीके से थोड़ा जूम करेंगे, ठीक है? अब यहाँ पे एक डॉलर का साइन नजर आ रहा होगा आपको, ठीक है? ये देख सकते हैं, तो डॉलर के साइन पे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे इस तरीके से। जैसे आप डॉलर के साइन पे यहाँ क्लिक करते हैं, अब मैं यहाँ स्क्रीन को थोड़ा इस तरीके से कर लेता हूँ, ठीक है? ये आप देख सकते हैं इस तरीके से, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं। जैसे कि मैं थोड़ा यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ जूम करके, क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है? ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, एक तो है 1000 सब्सक्राइबर होना चाहिए, 4000 घंटे होने चाहिए और 2-स्टेप वेरिफिकेशन होना चाहिए, और यहाँ पे कम्युनिटी गाइडलाइन यानी कि स्ट्राइक वगैरह कुछ भी नहीं होने चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे रियल आपका वॉच टाइम ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये देखो 103 पब्लिक वॉच हावर लिखा है, यहाँ पे 4000 घंटे चाहिए, लेकिन इस चैनल ने केवल 103 घंटे ही यहाँ पे कंप्लीट कर पाए हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आपको देख लेना है अपना, ठीक है? अब यहाँ पे आप इस तरीके से देख लेंगे, और आपको इस तरीके से देखने के बाद इजीली तरीके से आपको पता चल जाएगा आपका यूट्यूब चैनल कितना समय और लेगा, ठीक है, यहाँ पे मोनेटाइज होने में। दोस्तों आपको कोई भी यूट्यूब से रिलेटेड कोई भी टिप्स एंड ट्रिक चाहिए आपको तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बोल के जाइए। फिलहाल इस वीडियो में विदा लेता हूँ। जय हिंद।